हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सृष्टि किचन एंड कुकिंग। सो आज मैं बनाने वाली हूँ कच्ची कैरी की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी, और ये बहुत ही खट्टी मीठी चटनी है। अगर फ्रेंड्स आपके लिए रेसिपी पसंद है तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो मैंने यहाँ पर दो कच्चे आम लिए हैं, हम इनके लिए कच्ची कैरी भी बोलते हैं। तो अब मैं इन आम के लिए अच्छे से छील लूँगी। फ्रेंड्स, छीलने से ये रहेगा जो आम में कड़वापन रहेगा वो निकल जाएगा छिलकों सहित। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे आम के लिए छील लेंगे। तो आम अच्छे से छिल चुके हैं। अब मैं आम के लिए कुछ टुकड़ों में बना लूँगी। तो मैंने आम के यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े भी कर लिए, और जो बीच की गुठली रहेगी वो मैं निकाल दूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे लिया एक जार, और मैंने जो आम के पीसेस बनाए थे वो मैं उस जार में डाल दूंगी कुछ इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे एक प्याज ली है, तो मैं जार में प्याज डालूंगी। मैंने प्याज के लिए कुछ टुकड़ों में बना लिया जिसने मैं पीसने में आसानी हो। तो अब मैं डालूंगी 4 से 5 लहसुन, और डालूंगी मैं अदरक। मैं इसमें पुदीना डाल रही हूँ, पुदीना आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। धनिया पत्ती भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपके लिए खाना हो। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच शक्कर डाली है, और इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डालूंगी। अब मैं यहाँ पे एक हरी मिर्च डालूंगी। अब मैं यहाँ पे डालूंगी काला नमक, काला नमक भी मैंने डाल दिया है। अब मैं जार के लिए कर लूंगी बंद, और इसे करीबन 2 मिनट पीस लूँगी। हमें चटनी के लिए दरदरा पीसना है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन दरदरा पीसने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में। तो हमारी चटनी बन के हो चुकी है तैयार। तो अब मैं इसे इसके ऊपर 2 कैरी के स्लाइसेस लगा दूंगी। तो हमारी चटनी हो चुकी तैयार। तो फ्रेंड्स, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आए तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।